गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक कोलाइडल जो स्टेट कोलाइडी अवस्था है उसके अंदर द्रव समय कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में क्या डिफरेंसेस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोज में हमने डिस्कस किया था कि कोलाइडी विलयन क्या होता है और फिर उसका अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण जो था उस पर डिस्कस किया था। तो कोलाइडी विलयन क्या होता है, एक विस्मांगी निकाय होता है जिसमें जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो 10^-7 से 10^-4 सेंटीमीटर प्रक्षिप्त अवस्था के अंदर विलय के जो कण होते हैं वो प्रक्षेपण माध्यम में विस्तृत रहते हैं, तो ऐसा विलयन कोलाइडी विलयन कहलाता है। और उस कोलाइडी विलयन के अंदर मैंने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था प्रक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य जो आकर्षण होता है उसके आधार पर उसको दो भागों में विभाजित किया गया था, एक द्रव सनई कोलाइड और दूसरे द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव सनई कोलाइड में कहा था कि जब प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य प्रबल आकर्षण अगर बल होता है या प्रबल आकर्षण बल होता है तो इस प्रकार का जो कोलाइडी विलयन होगा उसको हम द्रव सनई कोलाइडी विलयन कहा जाएगा, लायोफिलिक। और दूसरा, जब प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य दुर्बल आकर्षण बल होता है तो इस प्रकार का कोलाइडी विलयन लायोफोबिक यानी द्रव विरोधी कोलाइड का सवाल एग्जाम में ये पूछा जाता है कि द्रव सनई कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में डिफरेंस क्या होते हैं, अंतर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ गुणों के अंदर इनमें डिफरेंस होता है द्रव सनई और द्रव विरोधी कोलाइड के अंदर। उसमें सबसे पहला है उसकी प्रकृति नेचर। तो द्रव सनई जो कोलाइड होते हैं और द्रव विरोधी जो कोलाइड होते हैं उसकी प्रकृति की बात करें तो द्रव सनई कोलाइड जो होते हैं उसकी प्रकृति उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल होते हैं। स्कंदित होने के बाद द्रव मिलाने पर पुनः कोलाइड विलयन के अंदर परिवर्तित होते हैं, मतलब रिवर्सिबल का मतलब होता है जैसे जो द्रव सनई कोलाइड है उसमें कोई अपन ने विद्युत अपघटन मिला दिया, इसका स्कंदन हो गया। स्कंदन होने के बाद पुनः अगर उसके अंदर कोई लिक्विड अपन मिलाते हैं तो वापस वो कोलाइडी विलयन के अंदर परिवर्तित हो जाता है, तो उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। तो उसकी जो प्रकृति होती है द्रव सनई कोलाइड की वो कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं वो इरिवर्सिबल यानी अनुत्क्रमणीय होती है। एक बार जब उसका स्कंदन हो जाता है उसके बाद पुनः अगर उसके अंदर अपन कोई लिक्विड द्रव मिलाते हैं तो वापस कोलाइडी विलयन प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो प्रकृति होती है उसको इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय प्रकृति कहा जाता है। तो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। दूसरी बात करें कणों का आकार, तो पार्टिकल जो साइज होती है प्रक्षिप्त प्रावस्था जो विलय के कण होते हैं जिसमें अपन कहते हैं कोलाइडी विलयन के प्रक्षिप्त माध्यम के अंदर प्रक्षेपण माध्यम के अंदर जो प्रक्षिप्त प्रावस्था जो कण होते हैं वो 10^-7 से 10^-4 सेंटीमीटर आकार के कण होते हैं वो उसमें विस्तृत रहते हैं। तो यहाँ जो द्रव सनई कोलाइड होते हैं उनके अंदर जो कणों का आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है और जो वास्तविक विलयन के कणों से थोड़ा सा बड़ा होता है। वास्तविक विलयन होते हैं उसमें तो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं उससे थोड़ा बड़ा, और जो दूसरे वाले कोलाइडी विलयन होते हैं उनसे थोड़ा छोटा होता है। द्रव विरोधी जो कोलाइड होते हैं उनके जो कण होते हैं पार्टिकल्स होते हैं विलय के जो कण होते हैं ये अपेक्षाकृत बड़े आकार के कण होते हैं। इसमें थोड़े द्रव सनई कोलाइड की तुलना में इनके कण होंगे वो कैसे होंगे, बड़े आकार के होंगे। स्टेबिलिटी देखें तो द्रव सनई विरोधी जो द्रव सनई कोलाइड होते हैं लायोफिलिक जो कोलाइड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं वो बहुत कम स्थायी होते हैं, अल्प स्थायी होते हैं। श्यानता देखें तो द्रव सनई कोलाइड होते हैं
वो प्रक्षेपण माध्यम की श्यानता से अधिक होती है। जो प्रक्षेपण माध्यम लेते हैं, जो लिक्विड जिसमें विलेय के कण डिजोल्व हैं, उनकी श्यानता से क्या होती है, हमेशा अधिक होती है। यानी जो द्रव स्नेहक कोलाइड बनेगा उसकी श्यानता उसके प्रक्षेपण माध्यम की श्यानता से अधिक होती है, जबकि यहाँ पर प्रक्षेपण माध्यम की श्यानता के समान ही होगी। जो द्रव विरोधी कोलाइड बनेगा उसकी श्यानता जो उसके प्रक्षेपण माध्यम लिया हुआ है उसकी श्यानता के समान होगी। अणुसंख्यक गुण देखें तो अणुसंख्यक के अंदर जैसे प्रसरण दाब होता है, इमांग का अवनमन है, क्वथनांक उन्नयन है, इनके मान द्रव स्नेहक कोलाइड के लिए बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड के अंदर जो अणुसंख्यक गुणधर्म है, प्रसरण दाब, इमांग का अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, उनके मान क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। छठा प्रभाव देखें, टिंडल इफेक्ट कम मात्रा में उत्पन्न करता है द्रव स्नेहक कोलाइड, जबकि द्रव विरोधी होता है वो अधिक स्पष्ट मात्रा में उत्पन्न करता है। टिंडल इफेक्ट की बात हम आगे करेंगे अगले टॉपिक के अंदर कि टिंडल इफेक्ट किस प्रकार से जो कोलाइड विलयन शो करते हैं और क्या होता है टिंडल इफेक्ट। ये लाइट जो प्रकाश होता है उसके प्रभाव में प्रकीर्णन होता है, उससे हमें अलग कलर जो दिखाई देते हैं वो उसका इफेक्ट होता है, वो टिंडल इफेक्ट कहलाएगा। तो जो द्रव स्नेहक कोलाइड होते हैं वो इसको बहुत ही कम मात्रा में उत्पन्न करते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं उसको अधिक मात्रा में और स्पष्ट रूप से शो करेंगे। दृश्यता देखें तो द्रव स्नेहक जो कोलाइड है उसको हम सूक्ष्म दृष्टि से भी नहीं देख सकते, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं उसको हम नग्न यानी खुली आंखों से अपने पार्टिकल सत्य कण उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन का प्रभाव। विद्युत अपघटन जो बाहर से हम कोलाइड विलयन के अंदर मिलाएंगे, तो द्रव स्नेहक जो कोलाइड है उसमें अगर विद्युत अपघटन थोड़ा सा भी मिलाया जाए तो उसमें स्पंदन नहीं होता है। ज्यादा मात्रा में मिलाएंगे तो उसके अंदर हो जाएगा, लेकिन अल्प मात्रा में अगर कोई विद्युत अपघटन मिलाते हैं द्रव स्नेहक कोलाइड के अंदर तो उसका स्पंदन नहीं होता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड के अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर भी थोड़ा सा विद्युत अपघटन मिलाया जाए तो क्या हो जाता है, वो स्पंदित हो जाएगा। नेक्स्ट है जलयोजन। जलयोजन कम उसमें द्रव स्नेहक कोलाइड के अंदर वाटर डिजोल्व करेंगे तो कण अत्यधिक मात्रा में जलयोजित हो जाएंगे, उसके साथ में जल के साथ में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड के अंदर बहुत ही कम मात्रा में जलयोजन होता है। तो इस प्रकार से आप द्रव स्नेहक कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड है उसमें डिफरेंस अगर पूछे तो लिख सकते हैं। प्रकृति, कणों का आकार, स्टेबिलिटी, श्यानता, अनुसंख्यक गुण, टिंडल प्रभाव, दृश्यता, विद्युत अपघटन का प्रभाव और जलयोजन। तो इस प्रॉपर्टीज के आधार पर द्रव स्नेहक कोलाइड और द्रव विरोधी जो कोलाइड होते हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो कोलाइडी विलयन है उसका जो वास्तविक कोलाइडी विलयन होता है उसको हम सॉल्व कहा जाता है, क्योंकि वो प्रक्षेप अवस्था प्रक्षेपण माध्यम द्रव अवस्था में ही होते हैं जिसको हम शॉल कहते हैं। तो उस जो शॉल है या जो कोलाइडी विलयन है उनका हम संश्लेषण कैसे किया जाएगा, प्रिपरेशन उसकी कैसे की जाएगी, तो नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कि द्रव स्नेहक कोलाइड या फिर जो कोलाइडी विलयन है उसका निर्माण कैसे किया जाए। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलाइडी विलयन जो कैसे बनाया जाता है, तो उसको बनाने की विधियां हैं। उसमें एक मेथड है डिस्पर्शन मेथड, वितरण विधि। वितरण विधि के आधार पर किस प्रकार से कोलाइडी विलयन या सॉल हम बनाएंगे, तो इसमें क्या होता है जो बड़े आकार के कण होते हैं उनका विघटन करके उनको छोटे छोटे कणों के अंदर बदला जाता है, तो उसको बोलते हैं डिस्पर्शन मेथड, वितरण विधि। बड़े आकार के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको छोटे छोटे आकार में तोड़ करके फिर उसका कोलाइडी सॉल्यूशन बनाया जाता है, सॉल्व बनाया जाता है, तो उसको हम डिस्पर्शन मेथड कहा जाता है। उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट हर बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है विद्युत अपघटन या फिर ब्रेडिंग आर्क मेथड, उसमें डायग्राम भी पूछते हैं। ब्रेडिंग आर्क विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन बनाने का नामांकित चित्र बनाइए, या फिर ब्रेडिंग आर्क विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन
निर्माण कैसे किया जाता है, तो इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इस डिस्पर्शन मेथड के अंदर कुछ धातुएं होते हैं, उनका कोलाइड विलयन हम बनाते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है। तो इन धातुओं का कोलाइड विलयन बनाने के लिए क्या करते हैं हम, दो उस धातु की जिसका हमें कोलाइड विलयन बनाना है उसकी रोड देते हैं, जो कि एक एनोड का तो दूसरा कैथोड का कार्य करेगी। और इन दोनों रोड को हम उपयुक्त विलायक सॉल्वेंट लेंगे और इसमें साथ में स्थायी कारक जैसे KOH लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, और फिर इस बिकर को हम एक आइस बॉक्स के अंदर रख देंगे, जिससे क्या होगा जैसे ही हम उच्च ताप पर इसमें इलेक्ट्रिक विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाएगा तो ये रोड्स से उनके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे वो टूट करके इसके विलयन के साथ में आ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो पार्टिकल्स होंगे वो इस आइस के अंदर संघनित होकर के उस धातु का हमें कोलाइड विलयन या सॉल प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर विद्युत अपघटन या ब्रेडिंग आर्क विधि के अंदर इस विधि द्वारा गोल्ड, चांदी, प्लेटिनम आदि धातुओं के सॉल का निर्माण किया जाता है। जिस धातु का सॉल बनाना होता है उस धातु की दो छड़ों को हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोड के रूप में लेकर उपयुक्त विलायक में विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है, इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न करते हैं। जिस धातु का हमें जैसे सोने का हमें कोलाइड सॉल प्राप्त करना है तो दोनों छड़े दोनों रोड गोल्ड की लेंगे और उनको आपस में एनोड कैथोड से जोड़ करके इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न किया जाएगा, तो जिससे इसके पार्टिकल्स होते हैं वो टूट टूट करके सॉल्वेंट के साथ में आ जाए। फिर स्थायी कारक पदार्थ के रूप में KOH मिलाया जाता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। उसके बाद में विद्युत आर्क से उच्च ताप उत्पन्न होता है जिससे धातु वाष्पीकृत हो जाती है और बर्फ में संघनित होकर कोलाइड कणों में बदल जाती है, जिससे धातु का हमें कोलाइड विलयन प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम बड़े आकार के जो कण होते हैं उसको विद्युत आर्क द्वारा छोटे छोटे कणों के अंदर तोड़ करके जो कोलाइड विलयन बनाएंगे तो उसको हम विद्युत अपघटन विधि या फिर ब्रेडिंग आर्क मेथड का है। तो ये इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है ब्रेडिंग आर्क मेथड के द्वारा किस प्रकार से कोलाइड विलयन बनाया जाएगा, और एक पेप्टिक कण आगे पूछा जाता है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, या फिर सिंपल इसका डायग्राम पूछा जाता है तो यहाँ पर ये आइस बॉक्स लिया जाता है जिसमें बीकर है, दो मेटल की जो रोड है जिसको एक सिरा पॉजिटिव से दूसरा नेगेटिव से कैथोड और एनोड से जोड़ देते हैं। उसके बाद में फिर इन पर जब इलेक्ट्रिक उच्च ताप पर उत्पन्न होगा तो इसके छोटे छोटे कण वाष्पीकृत होकर के टूटने लगेंगे, जो कि इस स्थायी कारक KOH के साथ में सॉल्वेंट के साथ में डिजॉल्व हो जाएंगे और इस आइस के द्वारा संघनित होकर के क्या बनेगा, उस धातु का कोलाइड सॉल प्राप्त हो जाएगा, कोलाइड विलयन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है आदि धातुओं का सॉल बना सकते हैं। नेक्स्ट हम अगली जो विधि है उसके अंदर बात करेंगे पेप्टीकरण क्या होता है और उस पेप्टीकरण के आधार पर भी किस प्रकार से कोलाइड विलयन प्राप्त किया जाता है। दूसरा पेप्टीकरण विधि पेपराइजेशन मेथड के अंदर ये भी डिस्पर्शन मेथड है। तो पेपराइजेशन जो मेथड होता है वो उसके अंदर स्कंदन जो होता है उसके विपरीत क्रिया होती है, ये स्कंदन के विपरीत होती है। जब ताजे अवक्षेप को विलयन में उपस्थित विद्युत अपघटक की क्रिया द्वारा कोलाइड विलयन में परिवर्तित किया जाता है तो ये क्रिया क्या कहलाती है, पेप्टीकरण। ताजा बना जो भी विलयन होगा उसके अंदर विद्युत अपघटक की क्रिया करवाएंगे तो जिससे हमें वो ताजा बना विलयन उस कोलाइड विलयन के अंदर परिवर्तित हो जाएगा तो ये क्या ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, पेप्टाइजेशन या पेप्टीकरण कहलाती है। जैसे ताजा तैयार
फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को जब फेरिक क्लोराइड विलयन की अल्प मात्रा के साथ विलोड़ित करते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का गहरे लाल भूरे रंग का शॉल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने ताजा तैयार जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप है उसके अंदर कुछ मात्रा में फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं। यहाँ जो फेरिक क्लोराइड होता है वो क्या करता है, स्थायी कारक होता है। फिर उसको हम जब विद्युत अपघटक के अंदर विलोड़ित करते हैं तो हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का गहरे लाल भूरे रंग का शॉल प्राप्त होता है जिसको हम कोलाइडी विलयन कहेंगे। और यहाँ पर जो फेरिक क्लोराइड है वो पेप्टिक कारक का कार्य करता है। इसी प्रकार ताजा सिल्वर क्लोराइड है उसके अवक्षेप में अल्प मात्रा में तनु HCl विलयन मिलाकर फिर उसको हम विद्युत अपघटक से विलोड़ित करेंगे तो हमें सिल्वर क्लोराइड का कोलाइडी शॉल प्राप्त होगा। तो पैप्टीकरण विधि के अंदर जो भी जिसका कोलाइडी विलयन प्राप्त करना है उसका हम ताजा बना विलयन लेंगे और उसमें पैप्टिक कारक जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के लिए फेरिक क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड के लिए तनु HCl है, वो पैप्टिक कारक मिलाकर फिर उसको विलोड़ित किया जाएगा जिससे हमें उस विलयन का कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। इसको हम पैप्टीकरण विधि कहा जाता है। तो एग्जाम के अंदर पैप्टीकरण और ब्रेडिंग आर्क विधि इन पर सवाल पूछा जाता है, संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जाती है कि किस प्रकार से कोलाइडी विलयन या शॉल बनाया जाता है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे और हम नेक्स्ट वीडियोज में कुछ विधियां हैं उस पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।